पंजाब की बठिंडा लोकसभा सीट से अकाली दल के उम्मीदवार हरसिमरत कौर बादल को टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी अपनी किसी महिला एमएलए को मैदान में उतार सकती है। विधानसभा चुनाव में बठिंडा की 9 में से 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी को कामयाबी मिली थी। बठिंडा से जीते आपके 7 विधायकों में से 2 महिलाएं भी थी। विधानसभा चुनाव में बठिंडा ग्रामीण से रूपिंदर कौर रूबी और तलवंडी साबो से प्रोफेसर बलजिंदर कौर को कामयाबी मिली थी। आम आदमी पार्टी ने बठिंडा से संभावित उम्मीदवारों की जो सूची तैयार की है उसमें इन दोनों महिला विधायकों के नाम प्रमुख हैं। आम आदमी पार्टी की बठिंडा से संभावित उम्मीदवारों की सूची में पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पोते कुलतार संधवा भी शामिल हैं। कुलतार संधवा कोटकपुरा से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। शुरुआत से ही आपके साथ जुड़े रहे हैं। कुलतार संधवा ने कांग्रेस के उम्मीदवार भाई हरनिरपाल सिंह कुकू को 10,000 वोटों से हराया था। इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट कुलतार संधवा पेशे से किसान हैं। आम आदमी पार्टी द्वारा बठिंडा से किसी हिंदू उम्मीदवार को टिकट देने पर भी विचार किया जा रहा है। बठिंडा लोकसभा सीट के मतदाताओं में करीब 30% हिंदू हैं। पंजाब के मालवा क्षेत्र में आने वाला बठिंडा पंजाबी अग्रवाल बिरादरी का गढ़ माना जाता है। बठिंडा शहरी विधानसभा सीट से अक्सर पंजाबी अग्रवाल बिरादरी का उम्मीदवार चुनाव जीतता रहा है, लेकिन बठिंडा लोकसभा सीट से कभी हिंदू उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ है। बठिंडा से आपके संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट में पंजाबी अग्रवाल बिरादरी के अमृत लाल गर्ग और डॉक्टर विजय गोयल का नाम शामिल है। अमृत लाल गर्ग व्यापारी हैं और डॉक्टर विजय गोयल दांतों के डॉक्टर हैं। इनमें से किसी एक को उम्मीदवार बनाकर आम आदमी पार्टी हिंदू और पंजाबी अग्रवाल मतदाताओं का ध्रुवीकरण अपने पक्ष में कर सकती है। आम आदमी पार्टी की बठिंडा से संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट में 2 जाट सिख भी शामिल हैं। आपके एनआरआई विंग के जसकीरत मान और स्थानीय कार्यकर्ता नवदीप सिंह भी मैदान में उतारे जा सकते हैं। बठिंडा लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा 40% जाट सिख बिरादरी के मतदाता हैं। आम आदमी पार्टी से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले सुखपाल खैरा ने बठिंडा से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। सुखपाल खैरा बठिंडा में एक रोड शो कर चुके हैं और लगातार मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। हरसिमरत कौर बादल ने पिछले 2 चुनाव बठिंडा से ही जीते। अकाली दल ने हरसिमरत कौर बादल की उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा अभी तक नहीं की है, लेकिन बठिंडा से जीत की हैट्रिक बनाने के लिए हरसिमरत बादल ने अपना अभियान शुरू कर दिया है। बार बार खंडन के बाद भी हरसिमरत के बठिंडा से फिरोजपुर जाने की चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही। अकाली दल द्वारा बठिंडा और फिरोजपुर से उम्मीदवार की घोषणा न किए जाने से भी इन कयासबाजियों को बल मिल रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में हरसिमरत बादल ने अपने देवर मनप्रीत बादल को नजदीकी मुकाबले में हराया था। मनप्रीत बादल ने कांग्रेस के समर्थन से पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था। बाद में मनप्रीत बादल विधिवत रूप से कांग्रेस में शामिल हो गए थे। 2017 का विधानसभा चुनाव मनप्रीत बादल ने बठिंडा शहरी सीट से जीता था। कैप्टन सरकार में वित्त मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे मनप्रीत बादल भी पिछले 1 महीने से बठिंडा में सक्रिय हैं। मजेदार बात यह है कि अकाली दल की तरह कांग्रेस ने भी अभी तक बठिंडा और फिरोजपुर से अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। इससे लगता है कि मनप्रीत बादल के मैदान में आने की सूरत में अकाली दल ने हरसिमरत को फिरोजपुर शिफ्ट करने की गुंजाइश रख छोड़ी है। सुखपाल खेरा कहते हैं कि बठिंडा से चुनाव लड़कर वह पंजाब की सामंतवादी राजनीति के प्रतीक बादल परिवार के 2 सदस्यों को एक साथ चुनौती दे रहे हैं, लेकिन बठिंडा से खेरा के चुनाव लड़ने का असली मकसद आम आदमी पार्टी के मजबूत किले पर दावा जताना है। आम आदमी पार्टी किसी मजबूत उम्मीदवार को सामने लाकर सुखपाल खेरा की कोशिश को नाकाम करना चाहती है। आम आदमी पार्टी की बादल परिवार के सामने बड़े उम्मीदवार खड़े करने की परंपरा भी रही है। विधानसभा चुनाव में जलालाबाद से सुखबीर बादल के सामने आपने भगवंत मान को उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया था। आम आदमी पार्टी के नेता बठिंडा में हरसिमरत बादल और मनप्रीत बादल के संभावित मुकाबले को फ्रेंडली मैच बताकर तंज कस रहे हैं। अकाली दल की कोर कमेटी की बैठक 11 अप्रैल को होनी है। इस बैठक के बाद अकाली दल द्वारा बठिंडा से हरसिमरत बादल की उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा की जा सकती है। इन हालातों को देखते हुए कहा जा सकता है कि पंजाब की 13 सीटों में से सबसे कड़ा मुकाबला बठिंडा में देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।